नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र में शिव जी ने जो पार्वती जी को नौवीं विधि कही, उस परमानंद तक पहुंचने की, वो थी कि मृतवत लेटे रहो, क्रोध में शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ, मृतवत लेटे रहो। प्रयोग करो कि तुम एकाएक मर गए हो, शरीर को छोड़ दो क्योंकि तुम मर गए हो। बस कल्पना करो कि मृत हूं मैं, शरीर नहीं हूं, शरीर को नहीं हिला सकता, आंख भी नहीं हिला सकता, मैं चीख चिल्ला भी नहीं सकता, ना ही मैं रो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मरा हुआ हूं। स्वयं को मरा हुआ समझो और तब देखो तुम्हें कैसा लगता है, लेकिन अपने को धोखा मत दो। तुम शरीर को थोड़ा हिला सकते हो, नहीं उसे हिलाओ नहीं, लेकिन मच्छर भी आ जाए तो भी शरीर को मृत समझो। यह सबसे अधिक उपयोग की गई विधि है। रमन महर्षि इसी विधि से ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, लेकिन यह उनके इस जन्म की विधि नहीं थी। इस जन्म में तो अचानक सहज ही ये उन्हें घटित हो गई, लेकिन जरूर उन्होंने किसी पिछले जन्म में किसी सतत साधना की होगी, अन्यथा सहज कुछ भी घटित नहीं होता। प्रत्येक चीज का कार्य कारण संबंध रहता है। जो जब वे केवल 14 या 15 वर्ष के थे, एक रात अचानक रमन ऋषि को लगा कि मैं मरने वाला हूं। उनके मन में ये बात बैठ गई कि मृत्यु आ गई, वे अपना शरीर भी नहीं हिला सकते थे। उन्हें लगा कि मुझे लकवा मार गया है। फिर उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई और वे जान गए कि उनकी हृदय गति बंद होने वाली है, और वे चिल्ला भी नहीं सके, बोल भी नहीं सके कि मैं मर रहा हूं। कभी कभी किसी दुःस्वप्न में ऐसा होता है कि जब तुम ना चिल्ला पाते हो और ना हिल पाते हो, जागने पर भी कुछ क्षणों तक तुम कुछ नहीं कर पाते हो। यही हुआ ऋषि रमन को। अपनी चेतना पर तो पूरा अधिकार था, पर अपने शरीर पर बिल्कुल नहीं। वे जानते थे कि मैं हूं चेतना, हूं सजग हूं, लेकिन मैं मरने वाला हूं। और ये निश्चय इतना घना था कि कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सब प्रयत्न छोड़ दिए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर सख्त हो गया, शरीर मर गया, लेकिन एक समस्या उठ खड़ी हुई। वे जान रहे थे कि शरीर नहीं लेकिन मैं तो हूं, वे जान रहे थे कि मैं जीवित हूं और शरीर मर गया है। फिर वे उस स्थिति में वापस आए, उस स्थिति से वापस आए। सुबह में शरीर स्वस्थ था, लेकिन वही आदमी नहीं लौटा था जो मृत्यु के पूर्व था, क्योंकि उसने मृत्यु को जान लिया था। अब रमन महर्षि ने एक नए लोक को देख लिया था, चेतना का एक नया आयाम को जान लिया था। उन्होंने घर छोड़ दिया, उस मृत्यु के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और वे इस युग के बहुत बड़े, बहुत थोड़े से प्रबुद्ध पुरुषों में से एक हुए। और यही विधि है जो रमन महर्षि को सहज घटित हुई, लेकिन तुमको यह सहज नहीं घटित होने वाली। लेकिन प्रयोग करो तो किसी जीवन में यह सहज हो सकती है, प्रयोग करते हुए भी यह घटित हो सकती है, और यदि नहीं घटित हुई तो भी प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह प्रयत्न तुम से और तुम में रहेगा, तुम्हारे भीतर बीज बनकर रहेगा। कभी जब उपयुक्त समय होगा और वर्षा होगी, ये बीज अंकुरित हो जाएगा। सब सहजता की यही कहानी है।
किसी काल में बीज बो दिया था लेकिन ठीक समय नहीं आया था और वर्षा नहीं हुई थी। किसी दूसरे जन्म और जीवन में समय तैयार होता है। तुम अधिक पौध अधिक अनुभवी होते हो और संसार में उतने ही निराश होते हो। तब किसी विशेष स्थिति में वर्षा होती है और बीज फूट निकलता है। मृतवत लेटे रहो, क्रोध में शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो। निश्चय ही जब तुम मर रहे हो तो वे कोई सुख का क्षण नहीं होगा, वे आनंद पूर्ण नहीं हो सकता। जब तुम देखते हो कि तुम मर रहे हो, भय पड़ेगा, मन में क्रोध उठेगा या विषाद, उदासी, शोक, संताप कुछ भी पकड़ सकता है। व्यक्ति व्यक्ति में फर्क है। यही सूत्र कहता है, क्रोध में शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो, स्थित रहो। अगर तुमको क्रोध घेरे तो उसमें ही स्थित रहो, अगर उदासी घेरे तो उसमें ही। भय चिंता कुछ भी हो उसमें ही ठहरे रहो, डटे रहो। जो भी मन में हो उसे वैसे ही रहने दो, क्योंकि शरीर तो मर चुका है। यह ठहरना बहुत सुंदर है। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी ठहर गए तो पाओगे कि सब कुछ बदल गया। लेकिन हम हिलने लगते हैं। यदि मन में कोई आवेग उठता है तो शरीर हिलने लगता है। उदासी आती है तो भी शरीर हिलता है। इसे आवेग इसलिए कहते हैं कि यह शरीर में वेग पैदा करता है। मृतवत महसूस करो और आवेगों को शरीर हिलाने की इजाजत मत दो। वे भी वहां रहें और तुम भी वहां रहो। स्थिर मृतवत कुछ भी हो पर हलचल नहीं हो, गति नहीं हो, बस ठहरे रहो या पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो। मेहर बाबा की विधि थी। मेहर बाबा वर्षों वे अपने कमरे की छत को घूरते रहे, निरंतर ताकते रहे। वर्षों वे जमीन पर मृतवत पड़े रहे और पुतलियों को आंखों को हिलाए बिना छत को एक टक देखते रहे। ऐसा वे लगातार घंटों बिना कुछ किए घूरते रहते थे, टकटकी लगाकर देखते रहते थे। आंखों से घूरना अच्छा है, क्योंकि उससे तुम फिर तीसरी आंख में स्थित हो जाते हो। और एक बार तुम तीसरी आंख में स्थिर हो गए तो चाहने पर भी तुम पुतलियों को नहीं घुमा सकते हो, वे भी स्थिर हो जाती है, अचल। मेहर बाबा इसी घूरने के जरिए उपलब्ध हो गए। और तुम कहते हो कि इन छोटे छोटे अभ्यासों से क्या होगा, लेकिन मेहर बाबा लगातार 3 वर्षों तक बिना कुछ किए छत को घूरते रहे थे। तुम सिर्फ 3 मिनट के लिए ऐसी टकटकी लगाओ और तुमको लगेगा कि 3 वर्ष गुजर गए। 3 मिनट भी बहुत लंबा समय मालूम होगा। तुम्हें लगेगा कि समय ठहर गया है और घड़ी बंद हो गई है। लेकिन मेहर बाबा घूरते रहे, घूरते रहे। धीरे धीरे विचार मिट गए और गति बंद हो गई। मेहर बाबा मात्र चेतना रह गए, वे मात्र घूरना बन गए, टकटकी बन गए। और तब वे आजीवन मौन रह गए। टकटकी के द्वारा वे अपने भीतर इतने शांत हो गए कि उनके लिए फिर शब्द रचना असंभव हो गई। मेहर बाबा अमेरिका में थे। वहां एक आदमी था जो दूसरे के विचारों को, मन को पढ़ना जानता था। और वास्तव में वे आदमी दुर्लभ था। मन को पाठक के रूप में वे तुम्हारे सामने बैठता, आंख बंद कर लेता और कुछ ही क्षणों में वे तुम्हारे साथ ऐसा लयबद्ध हो जाता कि तुम जो भी मन में सोचते वे उसे लिख डालता था। हजारों बार उसकी परीक्षा ली गई और वे सदा सही साबित हुआ। तो कोई उसे मेहर बाबा के पास ले गया, वे बैठा और विफल रह गया, हार गया। और ये उसकी जिंदगी की पहली विफलता थी और एक ही। और फिर हम ये भी कैसे कहें कि उसकी विफलता हुई। वे आदमी घूरता रहा, घूरता रहा और तब उसे पसीने आने लगे, लेकिन एक शब्द उसके हाथ नहीं लगा। हाथ में कलम लिए बैठा रहा और फिर बोला, किसी किस्म का आदमी है ये मैं नहीं पढ़ पाता, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। ये आदमी तो बिल्कुल खाली है।
मुझे ये भी याद नहीं रहता कि यहां कोई बैठा है। आंख बंद करने के बाद मुझे बार बार आंख खोल कर देखना पड़ता है कि ये व्यक्ति यहां है कि नहीं, या यहां से हट गया। मेरे लिए एकाग्र होना कठिन होता है, क्योंकि जो मैं आंख बंद करता हूं मुझे लगता है कि धोखा दिया जा रहा है। वे व्यक्ति मेहर बाबा यहां से हट जाता है, मेरे सामने कोई भी नहीं है, और जब मैं आंख खोलता हूं तो उनको सामने ही पाता हूं। वे तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उस टकटकी ने, सतत टकटकी ने मेहर बाबा के मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। या पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ, या यहां जरा सा रूपांतरण है कुछ भी काम दे देगा। तुम मर गए ये काफी है, क्रोध में शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो। केवल ये अंश भी एक विधि बन सकता है। तुम क्रोध में हो, लेटे रहो और क्रोध में स्थित रहो, पड़े रहो, इससे हटो नहीं, कुछ नहीं करो, स्थिर पड़े रहो। कृष्ण मूर्ति इसी की चर्चा किए चले जा रहे थे। उनकी पूरी विधि इस एक चीज पर निर्भर है, क्रोध से शुद्ध होकर उसमें ठहरे रहो। यदि तुम क्रोध हो तो क्रोध हो और क्रुद्ध रहो, उससे हिलो नहीं, हटो नहीं। और अगर तुम वैसे ठहर सको तो क्रोध चला जाता है और तुम दूसरे आदमी बन जाते हो। और एक बार तुम क्रोध को उससे आंदोलित हुए बिना देख लो तो तुम उसके मालिक हो गए। या पुतलियों को घुमाए बिना एक टक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। ये अंतिम विधि शारीरिक है और प्रयोग में सुगम है, क्योंकि चूसना पहला काम है जो कोई बच्चा करता है। चूसना जीवन का पहला कृत्य है। बच्चा जब पैदा होता है वे पहले रोता है। तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि बच्चा क्यों रोता है। सच में वे रोता नहीं, वे रोता हुआ मालूम होता है। वे सिर्फ हवा का झोंका पी रहा है, चूर रहा है। अगर वे नहीं रोए तो मिनटों के भीतर मर जाए, क्योंकि रोना हवा लेने का पहला प्रयत्न है। जब वे पेट में था बच्चा श्वास नहीं लेता है, बिना श्वास लिए वे जीता था, वही प्रक्रिया कर रहा था जो भूमिगत समाधि लेने पर योगी जन करते हैं। वे बिना श्वास लिए प्राण को ग्रहण कर रहा था, मां से शुद्ध प्राण की ग्रहण कर रहा था। यही कारण है कि मां और बच्चे के बीच जो प्रेम, वे और प्रेम में सर्वदा भिन्न होता है, क्योंकि शुद्धतम प्राण दोनों को जोड़ता है। अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उनके बीच एक सूक्ष्म प्राणमय संबंध था। मां बच्चे को प्राण देती थी, बच्चा श्वास तक नहीं लेता था, लेकिन वे जन्म लेता है। तब वे मां के गर्भ से उठाकर एक बिल्कुल अनजानी दुनिया में फेंक दिया जाता है। अब उसे प्राण या ऊर्जा उस आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, उसे स्वयं ही श्वास लेने होंगे। उसकी पहली चीख चूसने का पहला प्रयत्न है, उसके बाद वे मां के स्तन से दूध चूसता है। ये बुनियादी कृत्य है जो तुम करते हो, बाकी समकाम सारे काम बाद में होते हैं। जीवन के वे बुनियादी कृत्य हैं, और प्रथम कृत्य उसका अभ्यास भी किया जा सकता है। यह सूत्र कहता है यहां कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। किसी भी चीज को चूसो, हवा को ही चूसो, लेकिन तब हवा को भूल जाओ और चूसना ही बन जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम कुछ भी चूस रहे हो, इसमें तुम चूसने वाले हो, चोषण वाले नहीं हो। तुम चोषण के पीछे पड़े हो। यह सूत्र कहता है कि पीछे मत खड़े रहो, कृत्य में भी सम्मिलित हो जाओ और चोषण बन जाओ। किसी भी चीज से तुम प्रयोग कर सकते हो। अगर तुम दौड़ रहे हो तो दौड़ना ही बन जाओ और दौड़ने वाले ना रहो, दौड़ ही बन जाओ, दौड़ना ही बन जाओ और दौड़ने वाले को भूल जाओ। अनुभव करो कि भीतर दौड़ने वाला नहीं है, मात्र दौड़ने की प्रक्रिया है। वे प्रक्रिया तुम हो, सरिता जैसी प्रक्रिया।
भीतर कोई नहीं है, भीतर सब शांत है और केवल ये प्रक्रिया है। चूसना चोषण अच्छा है, लेकिन तुमको ये कठिन मालूम पड़ेगा क्योंकि हम इसे बिल्कुल भूल गए हैं। ये कहना भी ठीक नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं, क्योंकि उसका विकल्प तो निकालते ही रहते हैं। मां के स्तन की जगह सिगरेट ले लेते हैं और तुम उसे चूसते रहते हो। ये स्तन ही है, मां का स्तन, मां का चूचक, और गर्म धुआं निकलता है, वे मां का दूध है। इसलिए छुटपन में जिनको मां के स्तन के पास उतना नहीं रहने दिया गया जितना वे चाहते थे, वे पीछे चलकर धूम्रपान करने लगते हैं। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि विकल्प से भी काम चल जाएगा। इसलिए अगर तुम सिगरेट पीते हो तो धूम्रपान ही बन जाओ, सिगरेट को भूल जाओ, पीने वाले को भूल जाओ और धूम्रपान ही बने रहो। एक विषय है जिसे तुम चूसते हो, एक विषयी है जो चूसता है, और उनके बीच चूसने की चोषण की प्रक्रिया है। तुम चोषण बन जाओ, प्रक्रिया बन जाओ, इसे प्रयोग करो। पहले कई चीजों से प्रयोग करना होगा और तब तुम जानोगे कि तुम्हारे लिए क्या चीज सही है। तुम पानी पी रहे हो, ठंडा पानी भीतर जा रहा है, तुम पानी बन जाओ। पानी ना पियो, पानी को भूल जाओ, अपने को भूल जाओ, अपनी प्यास को भी, और मात्र पानी बन जाओ। प्रक्रिया में ठंडक है, स्पर्श है, प्रवेश है और पानी है, वही सब बने रहो। क्यों नहीं, क्या होगा यदि तुम चोषण बन जाओ? तो क्या होगा यदि तुम चोषण बन जाओ? तो तुम निर्दोष हो जाओगे, ठीक वैसे जैसे प्रथम दिन जन्मा हुआ शिशु होता है, क्योंकि वह प्रथम प्रक्रिया है। एक तरह से आप पीछे की ओर यात्रा करेंगे, लेकिन उसकी ललक लालसा भी तो है। आदमी का पूरा अस्तित्व उस स्तनपान के लिए तड़पता है, उसके लिए वे कई प्रयोग करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि वे बिंदु ही खो गया है। जब तक तुम चूसना नहीं बन जाते तब तक कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए ये प्रयोग में लाओ। एक आदमी को मैंने ये विधि दी थी, उसने कई विधियां प्रयोग की थी, तब वे मेरे पास आया। उससे मैंने कहा, यदि मैं समूचे संसार से केवल एक चीज ही तुम्हें चुनने को दूं तो तुम क्या चुनोगे? और मैंने तुरंत उसे यह भी कह दिया कि आंख बंद करो और इस पर तुम भी सोचे बिना मुझे बताओ। वे डरने लगा, झिझकाने लगा, तो मैंने कहा, ना डरो और ना झिझको, मुझे स्पष्ट बताओ। उसने कहा, यह तो बेहुदा मालूम पड़ता है, लेकिन मेरे सामने एक स्तन उभर आ रहा है। और ये कहकर वे अपराध भाव अनुभव करने लगा, तो मैंने कहा, मत अपराध भाव अनुभव करो, स्तन में गलत क्या है? सर्वाधिक सुंदर चीजों में स्तन एक है, फिर अपराध भाव क्यों? लेकिन उस आदमी ने कहा, यह चीज तो मेरे लिए ग्रस्तता बन गई है, इसलिए अपनी विधि बताने के पहले आप कृपा करी बताएं कि मैं क्यों स्त्रियों के स्तनों में इतना उत्सुक हूं। जब भी मैं किसी स्त्री को देखता हूं, पहले उसका स्तन ही मुझे दिखाई देता है, शेष शरीर अपने और उतने महत्व का नहीं रहता। और ये बात केवल उसके साथ ही लागू नहीं है, प्रत्येक के साथ, प्रातः प्रत्येक के साथ लागू है, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि माँ का स्तन की जगत के साथ आदमी का पहला परिचय बनता है। ये बुनियादी है, जगत के साथ पहला संपर्क माँ के स्तन बनता है। यही कारण है कि स्तन में इतना आकर्षण है, स्तन इतना सुंदर लगता है, उसमें एक चुंबकीय शक्ति है। इसलिए मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अब मैं तुमको विधि दूंगा, और ये विधि थी जो मैंने उसे दी, किसी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। मैंने बताया कि आंखें बंद कर लो और अपनी माँ का स्तन याद करो, और यहां कोई स्तन जो तुम्हें पसंद हो कल्पना करो और ऐसे चूसना शुरू करो कि ये असली स्तन है, शुरू करो। उसने चूसना शुरू किया, 3 दिन के अंदर वे इतनी तेजी से पागलपन के साथ चूसने लगा, और वे इसके साथ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने एक दिन आकर मुझसे कहा, ये तो समस्या बन गई है, 7 दिन में चूसता ही रहा हूं, और ये इतना सुंदर है
और उसमें ऐसी गहरी शांति पैदा होती है और 3 महीने के अंदर उसका चोषण एक मौन मुद्रा बन गया। तुम होठों से समझ नहीं सकते कि वे कुछ कह रहा है, लेकिन अंदर से चूसना जारी था। सारा समय वे चूसता रहता, ये जब बन गया। 3 महीने के बाद उसने मुझसे कहा, कुछ अनोखा मेरे साथ घटित हो रहा है। निरंतर कुछ मीठी द्रव सिर से मेरी जीभ पर बरसता है और ये इतना मीठा है और शक्तिदायक है कि मुझे किसी और भोजन की जरूरत नहीं रही। भूख समाप्त हो गई है और भोजन मात्र उपचारित हो गया है। परिवार में समस्या ना बने इसलिए मैं दूध लेता हूं, लेकिन कुछ मुझे मिल रहा है जो बहुत मीठा है, बहुत जीवनदायी है। मैंने उसे यह विधि जारी रखने को कहा। 3 महीने और वे एक दिन नाचता हुआ पागल सा मेरे पास आया और बोला, चूसना तो चला गया लेकिन अब मैं दूसरा ही आदमी हो गया हूं। अब मैं वही नहीं रहा जो पहले था। मेरे लिए कोई द्वार खुल गया है, कुछ टूट गया है और कोई आकांक्षा शेष नहीं रह रही है। अब मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, ना परमात्मा ना मोक्ष। अब जो है जैसा है ठीक है, मैं उसे स्वीकारता हूं और आनंदित हूं। इसे प्रयोग में लाओ, किसी चीज को चूसो और चूसना बन जाओ। ये बहुतों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि ये इतना आधारभूत है, इतना आधारभूत है कि तुम देखोगे कि तुम्हें किसी और चीज की चाह नहीं रही। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।